नमस्कार, ये आप देख रहे हैं स्वर। वैसे तो स्वर सारे हैं, लेकिन हमारा चैप्टर है कि जब राग हम सीखते हैं तो सबसे पहले स्वरों की जानकारी होनी जरूरी होती है। तो अगला लेसन आपका है स्वर। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि स्वर और स्वरों के प्रकार, इनको जाने बिना बहुत परेशानी होगी, सीखना असंभव है। तो जैसे हम सबसे पहले बिलावल राग के स्वरों का अभ्यास करते हैं, जो सारे स्वर शुद्ध होते हैं। सा रे ग म प ध नि सा नि ग प म ग रे सा, तो ये सीधे सुर हुए। कहने के लिए बिलावल के सुर हैं, क्योंकि जब बिलावल राग लगाते हैं तो राग के स्वरों का जो लक्षण होता है वो कुछ अलग होता है। जैसे अगर बिलावल का लक्षण दिखाते हैं, गा पानी गा पानी सानी गा प मगरे गा मगरे सा, अलहिया बिलावल के लिए नी आ जाता है। तो ये बातें दूसरी हो जाती हैं, पहले स्वर जानते हैं। तो स्वर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। तो आइए शुद्ध स्वर कैसे जानते हैं। मैंने पिछले क्लासेस में बताया है आपको हारमोनियम के चैप्टर वन में कि किसी भी स्वर से सरगम कैसे निकालते हैं। तो वह जो नियम है, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 और 13, ये नियम आपको याद होगा कि 1, 2 छोड़ के 3, फिर 4 छोड़ के 5, तो 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 13, 12, 10, 8, 6, 5, 3, 1। ये वाला नियम चाहे किसी भी स्केल से लगे, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, किसी भी स्केल से 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, तो ये नियम जब कहीं भी लगे तो सारे स्वर शुद्ध होते हैं। इनका उदाहरण के लिए कहा जाता है कि जो स्वर अपने स्थान पर स्थिर हो रहते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं, वे शुद्ध स्वर कहे जाते हैं। और दूसरा होते हैं विकृत स्वर। तो विकृत स्वर दो प्रकार के होते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहीं पर सभी बच्चे या विद्यार्थी या गोविंद जो भी स्लो लर्नर या फास्ट लर्नर कितने भी तेज हों, सभी फंसते हैं। तो दूसरा विकृत स्वर होता है। विकृत माने होता है कि जो विकृत हो, अपनी जगह से इधर उधर हो, जैसे नहीं कोई पागल हो जाए, चाहे कोई इस आदमी का इस दिमाग से विकृत है। तो विकृत मतलब हिलते डुलते रहने वाला। तो वह स्वर जो अपने स्थान से आगे पीछे, आगे इधर पीछे इधर, जैसे इसे आगे इधर और इसे पीछे इधर, कोई भी सुर अपने से इधर पीछे और अपने से इधर आगे कहलाता है। तो जो स्वर अपने स्थान से आगे या पीछे हिलते डुलते रहते हैं वे विकृत स्वर कहलाते हैं। अब आइए, विकृत स्वर दो प्रकार के होते हैं, यही मेन चीज़ है आपको सीखने वाली। पहला होता है कोमल विकृत और दूसरा होता है तीव्र विकृत। तो कोमल विकृत, वह स्वर जो अपने स्थान से एक स्वर पहले गाया बजाया जाए वह कोमल स्वर कहलाता है। तो इनकी संख्या 4 होती है। जैसे रे यहाँ शुद्ध है, सा के बाद रे, तो ये स्वर रे कोमल हो जाएगा एक स्वर पहले। जो स्वर अपने स्थान से एक स्वर पहले गाया बजाया जाए, जैसे ग ये है तो ये एक स्वर पहले हो गया, वह कोमल स्वर कहलाता है। म नहीं होता है कोमल भातखंडे लिपि में, प भी कोमल नहीं होता है, सा और प अचल स्वर कहे जाते हैं। ये हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ाया भी है, बताया भी है कि स्वर दो प्रकार के होते हैं, अचल स्वर और चल स्वर। अचल मतलब जो अपने स्थान से हिलते डुलते नहीं हैं, स्थिर रहते हैं, अचल हैं। तो सा और प ये अचल स्वर होते हैं। कोई ऐसा राग नहीं है जिसमें सा न हो, कोई ऐसा राग नहीं है जिसमें सा न हो। मतलब सा और प दो अचल स्वर हैं, तो प कभी कभी वर्जित हो जाता है, लेकिन सा ऐसा स्वर है जो हमेशा रहता है। तो सा और प अचल स्वर हैं, ये हिलते डुलते नहीं है। कोमल में जैसे ध, तो ये कोमल ध हो जाएगा। नी शुद्ध ये है तो कोमल नी हो जाएगा।
इस तरह से चार कोमल स्वर होते हैं, रे ग ध और नी। तो कोमल रे कोमल ध, फिर कोमल रे कोमल ग कोमल ध और कोमल नी, इस तरह से चार विकृत स्वर हुए। उसके बाद तीव्र स्वर आता है जिसको तीव्र विकृत कहते हैं। तो सप्तक में एक ही स्वर होता है, वो होता है म, जो अपने स्थान से एक स्वर बाद में गाया बजाया जाता है तीव्र। तो तीव्र स्वर की परिभाषा यह है कि जो स्वर अपने स्थान से एक स्वर बाद में गाए बजाए जाएं वो तीव्र स्वर कहलाते हैं। तो सिर्फ वह म है। तो इस तरह से हमने जाना कि स्वर दो प्रकार के होते हैं, पहला शुद्ध स्वर और दूसरा विकृत स्वर। शुद्ध स्वर जो स्वर अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, सारे हरे गम पधनी सा नि दा प म गे सा, तो इस तरह से जो स्वर अपने स्थान पर स्थिर हैं, आगे पीछे नहीं है, वो शुद्ध स्वर है। और जो एक स्वर पहले गाए, विकृत स्वर दो प्रकार के हो गए, कोमल विकृत तीव्र विकृत। तो कोमल जो स्वर अपने स्थान से एक स्वर पहले गाया बजाया जाए वह कोमल स्वर कहलाता है। अब कोमल स्वर के पहचान के लिए इन स्वरों के नीचे एक पड़ी लकीर लगा देते हैं, एक नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। उसके बाद तीव्र स्वर वह होते हैं इन स्वरों के ऊपर एक खड़ी रेखा खींच देते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं। तो जैसे म है तो तीव्र, तो वह स्वर जो अपने स्थान से एक स्वर बाद में गाए बजाए जाते हैं वह तीव्र स्वर कहलाते हैं। इस तरह से यह स्वरों वाला चैप्टर आपने पढ़ा, और आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और आपको जिस प्रकार की ज़रूरत हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए तैयार हैं आपके लिए। थैंक यू।